अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सभी को अम्मी की किचन में स्वागत है। और आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं आलू और गोश्त की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह के आलू और गोश्त का रेसिपी बनता है। देख सकते हैं आप लोग ऑनियन क्या क्या दे चुका है। अब हम लोग ऑनियन देंगे तेल पे। देखिए ऑनियन दे रही हूँ के हैं। अब इसके बाद हम लोग सूखा मिर्चा देंगे। चार सूखा मिर्चा है। मिर्चा और ऑनियन चला गया है। अब इसके साथ हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट देंगे। एक साथ आपको देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया है। अब इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक देंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसको आपको पूरा लाल नहीं करना है गाइस, इसको सिर्फ आपको ऐसे ही मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको इसके साथ आपको मीट दे देना है। आपको मीट डाल देना है। के बाद आपको इसको दो हैंड्स में आपको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ज़्यादा नहीं हिलाना है आपको, सिर्फ दो बार इसे हिलाना है, दो से तीन बार। उसके बाद आप में आपको इसमें पानी ऐड करना है। अगर आप इस तरह से हिलाएंगे तो आपका गोश्त आलू जो है बहुत ही अच्छा बनेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपका गोश्त। उसके बाद आपको इसको ढकने से लगा देना है और ये आपका चार सीटी में पूरा गल जाने वाला है। चार सीटी के बाद आपको दिखाते हैं किस तरीका का गोश्त दिखता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोगों का चार सीटी कंप्लीट है और अब हम लोग इसे खोल कर देखते हैं कि मीट कैसा तैयार है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा हो चुका है। तो अब हम लोग इसे तैयार करेंगे, थोड़ा हिलाएंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ऐसा खुशबू आ रहा है, मुझे दिल कर रहा है मैं थोड़े अभी खाकर एक चीज़ देख लूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए इसे घर पे अपना और बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। आप लोग अगर अपने घर पे बनाएंगे और कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा बनाकर। आप देखते जाइए अभी क्या क्या हो रहा है। भुना गया है, अब इसमें हम लोग पोटैटो ऐड करेंगे। अब पोटैटो देकर भी आपको थोड़ा इसको भूनना है। अभी पोटैटो देके अभी 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। 2 से 3 मिनट भुनाई हो चुका है पोटैटो हम लोगों का। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे छोटा छोटा पीस, मम्मी काट चुकी हैं। टमाटर है इसमें ऐड होने वाला है। अब अपने हिसाब से टमाटर काट सकते हैं। उसके बाद मैं दे रही हूँ हाफ जो काट के रखे उसका हाफ मैं दे रही हूँ धनिया पत्ता। उसके बाद मैं क्या करना है ये देख के फिर इसको अभी हम 2 मिनट और फिर 3 मिनट तक ये भुना चुका है। अब हम लोग इसमें पानी ऐड करने वाले हैं। अपने अंदाज से आप पानी दीजिए जैसे कि आपका पोटैटो गल जाए। जैसे मिक्स कर लीजिए। देने के बाद आपको इसमें सीटी लगा देना है। बस सिर्फ 2 सीटी, बस 2 सीटी लगाना है। लोगों का 2 सीटी कंप्लीट है। आप हम लोग कुकर को खोल लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा आप लोगों को। ये हम लोगों का रेडी हो चुका है। अच्छे से सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइस मेरी मम्मी ने गोश्त आलू कैसे बनाया है। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं इसको और इसे आप चावल और रोटी दोनों से ही खा सकते हैं। लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग भी इस बार इसे ट्राई करके देखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।